रही है पाकिस्तान के सहयोगी आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने एक दिन पहले मोदी सरकार के बनते ही भारत पर हमलों की धमकी दी। ISKP ने अपने मुखपत्र में धमकी दी कि इंडियन किंग महमूद गजनवी का फिर से सामना करने के लिए तैयार रहे। मतलब जैसे महमूद गजनवी ने भारत पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, ISKP के मंसूबे भी वही है। और फिर मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के दिन ही जम्मू के रियासी में वैष्णो देवी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर यह हमला हो गया, जिसकी तस्वीरें लगातार आप यहां पर देख रहे हैं। OP तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। OP तिवारी, और क्या जानकारी, ISKP ने ये बड़ी आतंकी साजिश की धमकी पहले ही दे दी थी? बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बता दूं कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो भारत में पाकिस्तान के इशारे पर लगातार आतंकवादी हमले करता है, उसने मोदी सरकार के तीसरे शपथ ग्रहण के दिन ही अपने 36वां अंक जारी किया। और इस अंक में स्पष्ट तौर पर उसने कहा कि इंडियन किंग आप महमूद गजनवी की तर्ज पर हमलों के लिए तैयार हो जाइए। यानी उसने स्पष्ट तौर पर धमकी दी कि आतंकवादी संगठन लगातार ताबड़तोड़ हमले करेगा। और उसने अपना जो मुखपत्र है उसमें भाजपा और उसके नेतृत्व की भी कड़ी आलोचना की शिवानी। GOP, तो देखिए किस तरीके से ISKP ने पहले ही इसकी धमकी दी थी और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये कोई बड़ी साजिश को अंजाम यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई अंदाजा नहीं था कि जम्मू जा रही, कटरा जा रही एक बस पर ही वो घात लगाकर बैठे हुए हैं। और अब बात महाराष्ट्र में मानसून की। महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दी है। सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून विभाग के मुताबिक रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे और सतारा में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि भारी बारिश की वजह से मुंबई और उसके आसपास के इलाके में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए मानसून ने दस्तक दे दी है और महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र में मानसून पहुंच चुका है। सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य जिलों में मानसून के दस्तक देने के साथ ही भारी बारिश